फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ड्राइंग शीट और लीव्स बढ़ चुकी हैं और अब बच्चे लग गए हैं अपनी जोरों शोरों से क्राफ्ट और क्रिएटिविटी दिखाने में। तो देखिए आगे वीडियो में क्या क्या होता है, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मिनी चिनीपुर में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट कंपटीशन में आज हम देखेंगे कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और बच्चे जुट गए हैं जोरों शोरों से। तो देखिएगा अब इस पत्ते और व्हाइट पेपर पर क्या बना सकते हैं, दिमाग लगाइए और हमें बताइए क्या बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए अंकिता ने तो कुछ ड्रॉ भी कर दिया है, अरे ट्विंकल ने भी बड़ा कुछ ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए बच्चे कितने फास्ट हो गए हैं, यहाँ बैठा है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखते हैं इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, क्या किया है, कब करेंगे। जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए। ये हमारे टीचर जी बैठे हैं, जैस्मिन जी, और ये हमारे दर्शक हैं। दर्शक देखिए क्या बातें कर रहे हैं। मुन्नू बोल रहा है, अरे अरे सोनम सोनम तो नहीं जीतेगी, मेरी बहन चुन्नू ही जीतेगी, देख रहा हूँ तो मेरी बहन चुन्नू ही जीतेगी जज में। अरे अरे तुम सब चुप करो, अभी तो पता भी नहीं चला है कि पेपर और इस ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पत्ते से क्या बनेगा किसी को नहीं पता चलता, क्या बनाना है कैसे क्या कुकर तुम्हें कुछ पता तो चलता नहीं है। अब पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखते हैं। हाँ हाँ देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। पेपर पेपर और उससे बनता क्या होगा वैसे, तुम देखो कंपटीशन क्या बनता होगा, अपना दिमाग मत खर्च करो, इतने होशियार होते हैं तो इसमें कंपटीशन में भाग पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें मैम बोलते समझे ना, चुपचाप बैठ जाओ। मैं तो चुपचाप ही बैठा हूँ, तुम तीनों ने मुझे इधर बिठाया भी नहीं, चलो चलो। तो बच्चों सब स्टार्ट हो जाए, आपके साथ बहुत कम समय है, आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, उसमें आपको कुछ ना कुछ बनाना है। ध्यान रहे बच्चों, विनर दो ही होंगे, ठीक है, वो ही विनिंग राउंड में जाएंगे, बाकी सभी को आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जी मैडम, ठीक है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ सभी बच्चे लग चुके हैं, देखिए सभी होशियार हैं, एक से बढ़कर एक बच्चे हैं यहाँ। ये महान हस्ती तो अपने शूज खोल के बैठा है ऊपर, और पता नहीं इसका शर्ट कहाँ गया बड़ा मजा आया। वैसे ही मैम बहुत ही सुंदर हैं, आपको कैसे लगे। तो दोस्तों यहाँ अंकिता ने कुछ पेपर जैसा ड्रॉ किया है, और ये क्या बना रही है, ये कौन है देखे तो, अरे अरे ये तो रिया है, ये क्या बना रही है, देखते हैं क्या बना रही है। अच्छा तो ये कुछ मुझे तो लग रहा है पत्ते ही बनाए हैं, देखते हैं आगे क्या करती है। अरे जानवी ऐसे ही बैठी है, और ये चुनू भी ऐसे ही बैठी है। अरे यहाँ निहारिका ने भी कुछ कोला बनाया है, पत्ती ही बनाई है शायद, और ये क्या बनाया है इसने, शायद फ्लावर बनाया है ट्विंकल ने। हमारी ट्विंकल बहुत मासूम है ना, बाकियों से दिख रहा है ना आपको कितनी मासूम है हमारी ट्विंकल। तो दोस्तों तब तक ये बना रहे हैं, देखते हैं 20 मिनट बाद मिलते हैं क्या क्या किया है इन्होंने, तब तक हमें अंदाजा हो जाएगा इन्होंने क्या किया है। दोस्तों यहाँ हो चुके हैं 20 मिनट, अब देखते हैं क्या बनाया है सबने। तो दोस्तों ये अंकिता क्या करने वाली है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंकिता ने पहले तो लीफ लिया है और उस पर कट कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, कट करके और पत्तों के टुकड़े कर रही है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से, लगता है अंकिता कुछ अच्छा बनाने वाली है। तो दोस्तों अंकिता कर रही है रेड कलर ऊपर, तो ये अंकिता रेड कलर कर रही है तो नीचे क्या चिपकाएगी, ये कुछ समझ नहीं आया क्या कर रही है ये अंकिता, दिमाग कुछ ज़्यादा चल रहा दिखे इसका। दोस्तों इसने अंकिता ने तो पूरा रेड कर दिया ऊपर ऊपर, क्या बना रही है अंकिता, और फिर इसने ब्लैक कलर से अंदर कुछ डॉट बनाया है, मुझे तो कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा है। क्या फ्रेंड्स आपको भी अंदाज़ा लग रहा है अंकिता क्या बनाने वाली है। अरे हाँ मुझे तो अंदाजा लग गया है, लगता है अंकिता वाटरमेलन बना रही, मतलब वाटरमेलन का एक पीस बना रही है, आपको भी यही लगता है ना, मुझे भी यही लगता है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे आइडिया क्रिएटिव होना चाहिए, मैम ने बोला है, बच्चों की मैम ने बोला है कि आइडिया क्रिएटिव होना चाहिए तभी प्राइज़ मिलेगा। तो अंकिता ने तो इसका काम कर लिया, चुपचाप बैठ गई है। अब आगे के बच्चों को कैंडिडेट्स को देखते हैं वो क्या बना रहे हैं। हमारी रिया क्या करती है देखते हैं, रिया ने पत्ता उठाया और इसने भी कट करना स्टार्ट कर दिया, क्या बात है, सेम सेम कुछ तो बना रही है एरिया, बाद में पता चलेगा क्या बना रही है, तब तक हम चलते हैं अगले कैंडिडेट के पास। तो दोस्तों सोनम स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं जल्दी आइए क्या बना रही है सोनम। तो सोनम क्या बनाएगी, मुझे तो बड़ा सोचिए बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह सोनम ने तो पत्ती पे कलर कर दिया, कर रही है, क्या बनाने वाली है सोनम फ्रेंड्स, देखते हैं क्या बनाती है। वाह दोस्तों सोनम तो इस लीफ पे सारा अच्छे से कलर कर रही है ना। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, क्या बनाने वाली है, कुछ आपको आइडिया है, मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा है। अब देखते हैं, सोनम ने लिया और फिर पेस्ट किया
ऐसे इस पत्ती को सोनम ने अच्छे से प्रेस किया। ये देखिए, अच्छा अच्छा तो सोनम ने डिज़ाइन निकाली है लिप की। अब हम तब तक नेक्स्ट कैंडिडेट के पास चलते हैं, और नेक्स्ट कैंडिडेट है चुन्नू। अरे वाह दोस्तों, अब हम चुन्नू के पास पहुंच चुके हैं। चुन्नू क्या करने वाली है? चुन्नू ने पत्ती उठा ली है। ये देखिए दोस्तों, अब चुन्नू ने लिया है एक ब्रश, और उसकी सहायता से, अब ब्रश की सहायता से क्या करने वाली है ये चुन्नू? और चुन्नू ने लीफ पे 3 कलर पेस्ट किए हैं, देख रहे हैं आप दोस्तों, ये देखिए। और अब चुन्नू इसको लगा रही है इसके पेपर पे। चुन्नू ने वापस उठा दिया है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे कैंडिडेट की तरफ, वो है निहारिका। निहारिका तो बड़े मस्त से बातें कर रही है, कोई चिंता ही नहीं है इसे तो कंपटीशन की। तो हमारी निहारिका ने बीच में लीफ चिपका दी है, और साइड में वो डिज़ाइन बना रही है कुछ कलर से। ये देखिए दोस्तों, क्या बनाया है इसने, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। दोस्तों तो हमारे सारे कैंडिडेट्स की ड्राइंग बन चुकी है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सभी की ड्राइंग्स बता देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। नाम बता के बताती हूँ, ये है अंकिता। तो फ्रेंड्स जल्दी हमें बताइए कि कौन जीतने वाला है, कौन सा कैंडिडेट विनर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। और ये ट्विंकल की, तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए आपको कौन सा पसंद आया।